हेलो एवरीवन वेलकम बैक वीडियो हम सो uh, so, हमने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर लिए है तो आपने अगर वो अभी तक नहीं देखे तो डिटेल में आपको वीडियोज मिलेंगे प्ले बना दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैपिटल रिडक्शन का वो जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये जो मुझे कमेंट्स मिल रहे थे सारे कमेंट्स में मुझे एक ही कमेंट uh, मिला था प्रिपेयर वीडियो ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर वीडियो ऑफ फाइनल अकाउंट सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फाइनल अकाउंट्स अब हम एग्जाम uh, से रिलेटेड बात करेंगे कि एग्जाम जो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है वो किस तरीके से होता है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यूजली अगर हम देखें तो फाइनल अकाउंट्स का पेपर देखो फाइनल अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो फाइनल अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप एवरी ईयर पढ़ते हो स्टैंडर्ड uh, से जब से आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया है तब से आपको uh, जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसमें हर साल फाइनल अकाउंट्स आता है जैसे कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल्स फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज ऐसे बहुत सारे फाइनल अकाउंट्स और आगे जितने भी साल पढ़ने वाले हो उसमें हर एक हर एक फाइनल अकाउंट्स आते रहेगा तो अभी रहा सवाल फाइनल अकाउंट्स का तो फाइनल अकाउंट्स में आप सभी को पता है हमको क्या दिया जाएगा हमको हमारे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा तो ट्रायल बैलेंस के साथ हमें एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे एंड हमें उस एडजस्टमेंट्स को फॉलो करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है लेकिन ये चैप्टर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं या ये जो चैप्टर अभी जो हम डिस्कस करेंगे एक्जैक्टली exactly, uh, इसमें बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होता है द रीजन इज नाउ वी आर यूजिंग द वर्टिकल फॉर्मेट आपने जो अपने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था uh, एक पेज uh, को दो पार्ट में डिवाइड करो लेफ्ट हैंड साइड इज योर एक्सपेंसेस वाला डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज योर इनकम्स वाला क्रेडिट लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं अभी हम वर्टिकल फॉर्मेट आप सभी को पता है कि 2013 में जो इंडियन कंपनीज एक्ट अपडेट हुआ हुआ था उसके बेसिस पे क्या हुआ है vertical format follow होता है वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो होता बैलेंस शीट का का भी और profit and loss का भी और प्रॉफिट एंड लॉस तो सबसे पहली चीज देखो एकदम सिंपल चीज बता रहा हूँ ज्यादा चीज अगर आप पढ़ते बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर में से क्या पढ़नी है सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर में से पढ़नी है एंड दैट इज फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ना है और आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ना है बेसिकली बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको सिंपल uh, जाएगा द रीजन इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो बैलेंस शीट है वो वही फॉर्मेट है जो हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे बायबैक में जो बैलेंस शीट है वो सेम फॉर्मेट है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मतलब uh,

प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक फॉर्मेट हम पढ़ेंगे और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी आप जानते हैं तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल फॉर्मेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है उसमें ऐसे कौन से कौन से पॉइंट आते हैं जो आपको ध्यान रखने अगर आपने वो एक बार ध्यान रख दिया देन द अदर पॉइंट रिमेन्स ओनली क्लेरिकल वर्क वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन we will follow that information and uh, just try to put it in the format of profit and loss which will be given to us तो so, हमें सबसे पहले चीज़ focus करने हैं कि एक जो आपको question दिया है profit and loss account का उसको हम vertical format में convert करने वाले हैं और उसको हम vertical format में convert करने वाले हैं इसका मतलब क्या है आपको एक तो uh, vertical profit and loss account का format बनाना है और दूसरा आपको उसी के साथ नोट्स टू अकाउंट जो हम बैलेंस शीट में भी बनाते हैं तो नोट्स टू अकाउंट भी बनाने हैं एंड एवरी एवरी पॉइंट जो भी आप प्रेजेंट करोगे वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट करोगे और वहां से सीधे आप प्रेजेंट करोगे टोटल को हमारे फॉर्मेट में सारी चीजें बताऊंगा लास्ट तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले बिकॉज जिन लोगों को फाइनल अकाउंट्स का कुछ नहीं आता है जो लोग ये चैप्टर ऑप्शन में डालने वाले है ये जितने चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा या जितने इसके बाद भी कुछ वीडियोज आएंगे फाइनल अकाउंट्स पे उससे आपका बहुत सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं तो एक्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में कौन सी चीजें आपको ऊपर आपको ध्यान देना है सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो फिलहाल मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको ओवरऑल पॉइंट्स का एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि फॉर्मेट में क्या क्या चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है चलते हैं स्क्रीन पे सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ यूर वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो ध्यान से देखना कॉलम्स uh, तो वैसे बहुत सारे बनाए हैं इसमें एक जो कॉलम है आपका दैट इज फिगर्स इन फिगर्स ऑफ करंट ईयर एंड फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर हमको ऐसे कुछ कॉलम्स नहीं बनाने हमको एक ही साल का डेटा रहेगा हमारे पास तो आपको करना क्या है आपको कॉलम्स बनाना है पर्टिकुलर्स का कॉलम फिर एक नोट का कॉलम बनाना है और एक अमाउंट का कॉलम बनाना है तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन की फर्स्ट पॉइंट जो है आ, देखो दिस इज़ द वर्टिकल फॉर्मेट तो डोंट गेट कंफ्यूज ये फॉर्मेट आपको सिर्फ याद रखना है इसके अंदर वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको सिखाऊंगा एक्जैक्टली exactly कि कैसे वर्किंग नोट्स को बनाना है सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है जब हम नॉर्मल हॉरिजोंटल पी एंड एल प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल में हम क्रेडिट साइड में हमारे इनकम्स लिखते हैं जैसे कि बाय सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में राइट ओपनिंग स्टॉक परचेजेस मेंचेज एवरीथिंग ठीक है तो ये फॉर्मेट में हमको वर्टिकली प्रेजेंट करना है तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें आपको क्या याद रखना है उसमें आपको याद रखना है सेल्स आएगा ठीक है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में विल बी राइटिंग सेल्स अदर इनकम में जो भी आपके अदर इनकम रहेंगे जैसे कि संड्री इनकम रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड कुछ भी आपका जो भी इनकम दिखेगा जो भी रिसोर्ट वाला है जैसे कि uh, आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में भी राइट कि रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड एनी एनी काइंड ऑफ असेट में प्रॉफिट डिविडेंड रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड ये सारे आपके अदर इनकम में आएंगे तो so, मैं आपको इसमें से ये भी बताता हूं देखो इसमें बहुत सारा पॉइंट है ये सारा पॉइंट नहीं आने वाला है पेपर में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये तो रहेगा ही सेकंड पॉइंट क्या आपको याद रखना है अदर इनकम ये भी रहेगा थर्ड पॉइंट है आपका टोटल रेवेन्यू हाउ डू वी गेट टोटल रेवेन्यू जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को और अदर इनकम को जब हम ऐड करेंगे तब हमें क्या आंसर मिल जाएगा तब हमें आंसर मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू तो वी विल गेट दी आंसर टोटल रेवेन्यू यहाँ तक बहुत सिंपल है बिकॉज यहाँ तक तो कोई कैलकुलेशन नहीं है अभी कैलकुलेशन मेन यहाँ से शुरू होता है दी एक्सपेंसेस पार्ट तो इफ यू सी द एक्सपेंसेस पार्ट तो सबसे पहले अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें ये सब हमको वर्किंग नोट में इसके नोट्स को बनाना है वर्किंग नोट्स में हम क्या करेंगे इसके नोट्स को प्रिपेयर करेंगे देन वी विल बी प्रेजेंटिंग ओके सो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ठीक है ध्यान से समझना बहुत सिंपल है जितना डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर हम क्या लिखेंगे वो बता देता हूँ वी विल बी राइटिंग ओपनिंग स्टॉक रेज इनवर्ड ठीक है क्या करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे परचेजेस लिखेंगे परचेस में से परचेस रिटर्न रहेगा तो माइनस करेंगे कैरेज इनवर्ड रहेगा तो प्लस करेंगे ये सारे पॉइंट हम लोग वहां लिखेंगे और फिर क्या करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे कौन सा वाला लेकिन रॉ मटेरियल का ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि लिए आपके क्वेश्चन में फिश गुड्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है उसके लिए जगह अलग है सो इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वॉट वी आर गोइंग टू राइट ओपनिंग स्टॉक परचेजेस कैरेज इन वर्ड एनी रिटर्न वी विल बी डिडक्टिंग और अगर कुछ लॉस बाय फायर वगैरह होता है तो भी आएगा आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं गुड्स टोलन गुड्स लॉस बाय फायर वो सब चीजें हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगी इसको हम वर्किंग नोट में बनाएंगे उसमें से टोटल करेंगे और यहां पे प्रेजेंट कर देंगे uh, फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो तो हमने मटेरियल्स में ही ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगला

उसके बाद आपका पॉइंट होता है वर्क इन प्रोग्रेस का अगर रहेगा तो लिखेंगे फिर अगला पॉइंट हमारा हर क्वेश्चन में रहता है दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपको याद रखने हैं पॉइंट जैसे कि सैलरीज है वेजेस है बोनस है ये आपके इस हेडिंग में आएंगे अभी आपको हेडिंग वाइज है कौन सा भी पॉइंट कहीं पर भी नहीं लिखना है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या लिखना है ऑल ऑल थिंग्स एनी आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज विल राइट ओवर हियर नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइनेंस कॉस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट में हम क्या लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट में हम लिखेंगे जैसे कि वी आर पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन एनी काइंड ऑफ बैंक लोन वी आर पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो वो हम लोग यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट के हेडिंग में लिखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन एंड एमोरटाइजेशन एक्सपेंस एमोरटाइजेशन इज नथिंग बट वी विल बी राइटिंग ऑफ जैसे कि कोई एडजस्टमेंट आता है गुडविल रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ तो वो भी इसी हेडिंग के अंदर आएगा बाकी सब डेप्रिसिएशन तो आपको पता है फिक्स असेट्स पे आप कैलकुलेट करते हो वो इधर आएगा और फिर जो बाकी चीज़ें बचेगी उसके लिए कोई हेडिंग नहीं है उसके लिए अदर एक्सपेंसेस नाम का हेडिंग है आप बाकी के जो भी संड्री एक्सपेंसेस है रिपेयर्स uh, है इलेक्ट्रिसिटी है ऑडिट फीस है इंश्योरेंस है रेंट है बहुत सारा है वो सारा कुछ हम किसके अंदर लिखेंगे वी विल बी राइटिंग अंदर दी हेड अदर एक्सपेंसेस फिर आपको करना क्या है ये जो भी आपने ये सारी चीज़ें लिखी है इन सब का टोटल करना है दैन दैट टोटल इज कॉल्ड एज टोटल एक्सपेंसेस तो अभी आप हमने देखो फर्स्ट पॉइंट में टोटल रेवेन्यू ढूंढ लिया मैं इधर आप मार्किंग भी कर रहा हूं टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंसेस को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो वी विल बी गेटिंग दी आंसर एस प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ रहता नहीं है नॉर्मल है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा दैट सेट इतना ही फॉर्मेट पढ़ना है ये जो नीचे का पार्ट है कभी अगर अप्रोप्रिएशन आया तो मैं करवाऊंगा वरना ये नीचे का पार्ट कुछ काम का नहीं है नॉर्मल पॉइंट है हमारे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है अदर इनकम लेना है टोटल इनकम हो जाएगा एक्सपेंसेस माइनस करना है विच एक्सपेंसेस वी आर गोइंग टू माइनस जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम ढूंढेंगे परचेजेस उसी में आ जाएगा फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज हम ढूंढेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अगर रहा तो लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट लिखेंगे डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस लिखेंगे अदर एक्सपेंस लिखेंगे फिर इन सबको प्लस कर देंगे देन वॉट एवर टोटल वी गेट दैट इज टोटल एक्सपेंसिस देन वॉट वी आर गोइंग टू टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स उसमें से इनकम माइनस कर देंगे तो सेशन तो में, में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बैलेंस शीट और उसके बाद क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया जाता है आई होप का आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा इसको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब हम इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो दैट विल बी बेटर फॉर यू थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर विद द सेम पॉइंट अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आपको इसमें से कुछ समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर ले बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले और ऐप uh, डाउनलोड कर ले बिकॉज उससे आपको बेनिफिट मिल पाएगा थैंक यू बाय बाय टेक केयर